दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर स्कूटनी का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन होगा स्कूटनी का कब से कब तक भरा जाएगा, कब तक लास्ट डेट है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि स्कूटनी का जो फॉर्म डेट है आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दे दी है। आपका किस डेट से फॉर्म भरा जा रहा है, किस डेट तक लास्ट होगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा, तभी जा करके आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप इस चैनल पर भरोसा किए हैं तो पूरी जानकारी अंत तक बने रह करके आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमेंट्स ये आ रहा था कि सर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर के कारण हम संतुष्ट नहीं हैं, तो स्कूटनी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहना। साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप पर्पल का अपडेट न्यूज़ चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। उसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यह लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आप सभी के बीच हम पल पल का अपडेट लेते आ रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 6 तारीख 7वां महीना 2020 को यूपी बोर्ड के द्वारा जो डेट जारी किया गया है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी को बता दें कि यूपी बोर्ड स्कूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2020 फॉर्म UPMSP 10वीं और 12वीं की कॉपी रिचेक UPMSP.edu.in पर भरे। तो कैसे भरना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले, लेकिन वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किए। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्कूटनी फॉर्म की तारीखों की घोषणा की है। छात्र 28 जून से 22 जुलाई तक 10वीं और 12वीं की कॉपियों रिचेक तिथि के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो रिचेकिंग की प्रक्रिया है, आपका फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है 28 जून से स्टार्ट किया गया है और 22 जुलाई तक लास्ट कर दिया गया है। तो जितने सारे स्टूडेंट स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं आप इस बीच फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें बताया गया है यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर, और ये जो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन यूपी बोर्ड स्कूटनी फॉर्म डाउनलोड करें। यानी कि आपका ये सब क्या है दोस्तों, यूपी बोर्ड का वेबसाइट है। इस पेज पर UPMSP कॉपी जांच आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि नवीनतम समाचार की पूरी जानकारी की जांच करें। तो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले दोस्तों, लेकिन आप सभी को अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आप सभी को यह बता दें कि यूपी बोर्ड स्कूटनी फॉर्म 2020 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए हाई स्कूल 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा के लिए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा ने 27 जून 2020 को कक्षा 10वीं और 12वीं विज्ञान वाणिज्य कला परिणाम घोषित किए हैं। जो छात्र अपने परिणाम और अंकों से संतुष्ट नहीं हैं उनके लिए स्कूटनी फॉर्म ऑनलाइन PDF के लिए आवेदन करने का अवसर है। डाउनलोड UPMSP 10वीं और 12वीं कॉपी रिचेक फॉर्म की प्रारंभिक तिथि 28 जून 2020 है। यानी कि दोस्तों आपका प्रारंभिक यानी कि स्टार्ट किया गया डेट जो है स्कूटनी के फॉर्म का डेट 28 जून से शुरू कर दिया गया है, जिसमें से बताया गया है कि जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020 है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पत्र और बैंक चालान की हार्ड कॉपी यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकृत डाक से भेजने की आवश्यकता है। छात्रों को अंतिम तिथि से पहले कॉपी जाँचने की फॉर्म जमा करना होगा। यानी कि दोस्तों ये बोर्ड ऑफिस जो है आपका यूपी बोर्ड की तरफ से अनुमानित किया गया है कि जितने सारे स्टूडेंट का कॉपी या स्कूटनी का फॉर्म भरा जाएगा उतना ही आपका कॉपी चेक किया जाएगा। लेकिन आपका शेड्यूल भी हम बता देते हैं दोस्तों कि यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉपी रिचेक 2020 ये अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं शैक्षणिक सत्र 19-20 के स्टूडेंट हैं, यानी कि 19 में जो फॉर्म भरे थे 20 में एग्ज़ाम दिए थे, इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम। हाई स्कूल 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा। परिणाम घोषणा तिथि यानी कि आपका जो रिजल्ट आया था 27 जून 2020 को पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया था यूपी बोर्ड की तरफ से। लेकिन यह भी बात खबर निकल कर आ रहा है दोस्तों 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूटनी फॉर्म की प्रारंभिक तिथि 28 जून 2020, यानी कि आपका 27 जून का रिजल्ट आया, आप 28 तारीख से स्कूटनी फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन जितने सारे स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे, जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम अपना नंबर से खुश नहीं है वो स्कूटनी फॉर्म भर सकते हैं, अभी भी उसका डेट बचा हुआ है। लेकिन स्कूटनी फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज 7 जुलाई है, अभी भी आपके पास डेट है। जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है वो स्कूटनी आवेदन कर सकते हैं बेहिचक। तो दोस्तों आप सभी को बता दें
कि जो मोड लागू करना है ऑनलाइन, आपका जो ये प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, स्कूटनी का फॉर्म ऑनलाइन होगा, जिसमें से आपका ये फॉर्म है स्कूटनी फॉर्म है, यानी कि UPMSP आपका सरकारी वेबसाइट क्या है दोस्तों, www.upmsp.edu.in ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों यूपी बोर्ड का। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही आप पल पल का अपडेट मिलता रहे, तो आपको चैनल पर बने रहना होगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।